आजादी के बलिदानी सिपाहियों में से एक नाम है श्याम लाल गुप्त पार्षद का, जिन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे कालजयी देशभक्ति गीत की रचना की। इस गीत ने आजादी के दीवानों के दिलों में देशभक्ति की ललक पैदा की और आजादी की खातिर मर मिटने का जज्बा पैदा किया। ये प्रेरणा हमें गणेश शंकर विद्यार्थी से सन 1924 में मिली। उन्होंने कई बार हमको एक परिभाषा के रूप में बताया कि इस तरह का कोई गीत हो जो झंडा जब रोहण के समय गाया जा सके, और उसकी कुछ बताते रहे भावना। वो भावना मेरे मन में भरी रही, और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने एक बार बहुत हमें कहा सुना, तब रात में हम जग करके और सवेरे उठे और दो गाने लिख डाले, झंडा गीत के दो गाने लिखे, एक राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो, और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्वीकार किया। जब यहाँ कानपुर में पहले टोलियां गाने लगी तो हिंदुस्तानी सेवा दल ने उसको स्वीकार कर लिया अपने यहाँ गाने का। हिंदुस्तानी सेवा दल के मार्फत सारे देश में गाया जाने लगा। इसके बाद फिर कांग्रेस में मामला आया, तो कांग्रेस में जो बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई उसमें उसने इस गीत को कांग्रेस की स्वीकृति दे दी। जयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य की विजय करके दिखाए, सत्य की विजय करके दिखाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, सब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा।